ये मादी है जी, ये फीमेल है, ये जिसका मेल है। मेरे ख्याल में इन्हें चप कहते होते हैं। चेक कर लें कैसे हैं। सच भी से भैंस बीमार है, भैंस के लिए जी इंजेक्शन आए हुए हैं। एक ये है अमीनो वाइटल इंजेक्शन, ठीक है, और एक ये है टोनोवेट। ये जी मसला जी इसको है ये खून। वेलकम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ खैर कैसे होंगे, मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अमार अकरम व्लॉग्स और मैं अमार अकरम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फिर शुरू करते हैं जी आज की मज़ेदार वीडियो। तो जी तबीयत पहले से बेहतर है, तकरीबन सुबह 10 बजे का टाइम है। बंदा आया है बकरी क्रॉस कराने के लिए हमारे बकरे से। वो जी हमारा बकरा वो बाहर खड़ा सर्दी से, बकरी लेके आया हुआ होगा यहाँ कहीं, वो लेके आ रहा है बकरी क्रॉस कराते हैं। नैरो बयान का इंजेक्शन है, ये तीन मुर्गे हैं, तीनों को इतना इतना लगा दूंगा। एक इंजेक्शन में से निकल आते हैं ऐसे तीन। अजी एक बहुत ही खुशी की बात है, वो शाकार जिसका हमें 13 से 14 दिनों से इंतज़ार था आज उसे अपना मुंह दिखा दिया। तो जी बात कर रहा हूँ इस सूरज की, ये जो आज निकला शाम लोग को नज़र आ रहा हो तो। जी बड़ा ख़राब हुए हुए थे आज, धूप जानवरों को एक दफ़ा लग गई ना, फिर आगे हफ्ता भी ना निकले ना इनको, ज़रा एक दफ़ा जब धूप लग जाती है इंसान को भी जानवर को भी सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। जी सारों को बाहर निकाल दिया, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई है। ये जी करंट भी बाहर है, ये बिल्ली भी बाहर है और मेरा शहजादा हैप्पी हैप्पी भोक श्यामा पुत्र। ये तो मैं कबों से बड़ा तंग हूँ, ये इनको भी नहीं खाने देते। हैप्पी 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 को भी आज़ाद करते हैं। अभी मैंने कट्टे को बाहर निकाला है, भैंस को जाजे मुख्तार बांध रहे हैं। ये हमारा कट्टा, ये जी जिस दिन सुई थी उस दिन बाहर आई थी, उस दिन हल्की सी धूप थी, उस दिन के बाद जी अब वापस आई है बाहर। देखें कैसे मिट्टी हुई पड़ी, उन्हें ला भी नहीं सकते, ताज़ी सुई भी है। माशाल्लाह कट्टा माशाल्लाह सेहतमंद है, धूप में भी आज बाहर निकले हैं ये अपने अंदर से। ये केज है जो पेयर लगाया हुआ है मुर्गों का, तो मुर्गी जो है जी तकरीबन अंडों पे है, तो इसके लिए जो सेटिंग बना रहे हैं साफ़ सुथराई करके सेटिंग बनाएंगे ताकि वो साफ़ सुथरा कर लें। पहले जी सही तरह डीप क्लीनिंग करेंगे झाड़ू से, उसके बाद जी ये इससे उसका घोंसला सा बनाएंगे, उसके अंदर जी चावलों की फक पड़ी है वो डालेंगे अंदर, इस तरह डाल रहा है बस। ठीक है बाबू बकाया है दूसरी जाते करते जी। ऊपर वाले की भी सफाई कर दी है, पीले बड़े पट्टे के लिए ऊपर होता है ना, हो जी उसके लिए भी सफाई, अभी बाहर बांधा हुआ है उसे, ये भी ठीक हो गया। अब ये सफाई हो गई, अब सर्दियां चल जाएंगी, जिससे सर्दियों के स्टार्ट में की थी अब की है, अब फिर गर्मियों में करेंगे। ये फातिहा अंदर घुस रही है और इनको भी अंदर जी बंद कर दिया है। अब ये मुर्गी थोड़ी देर मुर्गी थोड़ी देर बंद रहेगी तो इसके जहन में भी अंडे वाली कोई बात आएगी। पीले पट्टे को जो बाहर बांधा हुआ है, आज दोबारा जी मौसम की वही हालात हैं, फुल सर्दी है, 8 टेम्परेचर है अभी, तो अभी इनको खाने पिलाने के लिए बाहर बांधा हुआ है। ये भी अब थोड़ा सेहत में आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत में आया तो फिर इसकी कोई तपनी छपनी कराएं तैयार करके, अभी तक एक भी दफ़ा नहीं लड़ा जी ये। इतना डाउन है इसके कद के लिहाज से कम इसका वज़न 4-4.5 किलो होना चाहिए, लेकिन इस टाइम इसका वज़न 2.25 किलो है। 2.25 किलो काला है छोटा सा, उसका 2.25 किलो वज़न है, इसका भी इतना, इसके पर ज़्यादा है इसलिए वज़न महसूस होता, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है ये। थोड़ा देर ये खुराक शुराक खाता रहेगा ना ओके हो जाएगा, फिर जी से लड़ाएंगे, बाकी हर पॉइंट में अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है। भैंस बीमार है, भैंस के लिए जी इंजेक्शन आए हुए हैं। एक ये है अमीनो वाइटल इंजेक्शन, ठीक है, और एक ये है टोनोवेट। ये जी मसला जी इसको है ये खून वाला पेशाब कर रही है, ये कल मैंने ये देखा था तो फिर कल रात से ही मेडिसिन शुरू है,
और एक ही वाइट कलर का पाउडर है, इसमें जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है वो इसमें मिला हुआ है, उसका नाम है एसिड फॉस्फेट है, आगे पता नहीं एक लफ्ज़ और भी था। इसकी जी 25 लगानी है और इसकी भी जी 25 लगानी है। भरी बैठा जाके लगाते हैं, उसको बांधा हुआ भी है, फ्लैश ही नहीं ऑन हुई। हैप्पी के खुड्डे में जी सर्दी होती है और इसको इसलिए रात के टाइम खुड्डे में बंद करता हूँ, अभी तो बंधा हुआ है, इन दोनों को बाहर निकाला है, वो अंदर उसकी भौंकनी की आवाज़ आ रही है ना, तो ये खुड्डे के अंदर जी सफाई की इसकी कल, तो कल धूप तो निकली नहीं, वैसे ही पड़ा रहा, खुश्क भी नहीं हुआ, लेकिन सर्दी रात को बाहर नहीं बांधा जा सकता। इसको खुड्डे के अंदर पराली डाल दी है, सही तरह भर दी है, ये बैठ जाएगी नीचे, सही अच्छा बेड बन जाएगा, और इसको रात को यहाँ से कवर करके अंदर बंद कर देता हूँ। छोटा कीमती है मेरे लिए बहुत ज़्यादा, इसका ख्याल करना लाजमी है। कि जो ये पड़ी है ये जी उसको डालनी है, करंट का वो जो रूम है उसके अंदर डालूंगा, ये भी एक अच्छा बेड बन जाएगा सुकून से रात को उसकी गुजरा करके। उसकी भी सफाई किया, उसमें पहले भी थी लेकिन वो निकाल दी है। देखो भाई जी बाहर निकाल ली है, मोबाइल देख लिया, इसने भोंकना शुरू कर दिया, देखो देखा, एंटी वीडियो, एंटी वीडियो कहता है वीडियो ना बनाओ, ठीक है। और ये दूसरी जो है बिल्ली, इसके पास जाओगे ये खुश हो जाएगी वीडियो बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए खुश हो जाना, ये लेट जाना, लेट जाना है? ये तो है ही ना बस चाचू मुख्तार। चाचू मुख्तार के साथ बहर है। ओए मैं नो है इसे खोलने तेन ख्याल तमीज के तिगार। ऊपर देखें, ऊपर ये कबूतरों ने बच्चे दिए हुए, नीचे ये मैंने स्टूल रखा है, अभी चढ़ के अब आपको बच्चे भी दिखाता हूँ। अभी भी ऊपर जी इसको हटाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। हट जा ऊपर से। हाँ अब देखें जी, नज़र आ रहे हो तो दो बच्चे हैं जी माशाल्लाह से, ये मादी है जी, ये फीमेल है, ये जिसका मेल है, मेरे ख्याल में चप कहते होते हैं, चेक कर लें कैसे हैं। सच भी से तो दो नहीं यार, ये तो तीन लग रहे हैं। अरे मे भी मैं हाथ बड़ा ऊपर करके लेके जा रहा हूँ, नहीं दो ही हैं, मोबाइल से नज़र आ रहा है मुझे भी हाथ, मेरा भी नहीं जा रहा वहाँ तक। चलो भैया आराम। बड़ी माशाल्लाह अच्छी और बेहतरीन धूप निकली आज, अच्छा जैसे दिन कहते हैं वो दिन निकला, बारिश भी नहीं हुई फिर भी निकल आया, बारिश हो जाती ज़्यादा बेहतर था लेकिन निकल आया। जानवर सारे आज खुश हैं, डॉग्स बाहर हैं, ये दे इसे, सुकून कर जा, सुकून कर जा, गला बैठ गया इसके भोंक भोंक के। आज बड़ी खुशी है, दिन अच्छा निकला। तो जी इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, ओके अल्लाह हाफिज़।